अब चलो काम पे। सो वेलकम बैक गाइस, की हाल चाल है सारे? तो पूरे सारे बढ़िया होंगे। आज आप रिएक्शन लेके आए हैं कैरी में अतिथि, जस्ट लेटेस्ट वीडियो आई है एक, द लैंड ऑफ बिग बॉस। लेट्स स्टार्ट, आज देखते हैं की चीज। ऑब्वियसली बिग बॉस ने रोस्ट किया हुआ है, फिर तो एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यो, क्या हाल है? कुछ नहीं जी, आप बताओ आपके क्या हाल है? बस बस चल रहा है। अच्छा सुन, मैंने यार मेरी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तेरे को कुछ ईमेल्स दिखानी है यूट्यूब की जो दी आई है। जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो थोड़ा। बस बस दो मिनट, स्क्रीन देख। भाई इन्होंने दो वीडियो डाउन कर दिया और पांच छह वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दिए। डाउन ही कर दिए? मैं खुद को समझ में नहीं आ रहा भाई, इन्होंने तो हद ही पार कर दिए यार। और क्या क्या है रीजन वीजन कुछ है? रीजन तो भाई क्या है, वो ये रीजन जो हर बार होते हैं, हमारा रूल है भैया, हमारा प्लेटफॉर्म है, और क्या रीजन है। अबे यार डाउन का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सही में भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए लिटरली। Your content violates YouTube community guideline and has been removed. वो तो सेम ही है जो हर बार होता है, कुछ नया नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, मैंने कहा तेरा शेयर कर लूं भाई। Enjoy to enjoy carry minority c attachment, ये क्या है? क्या पढ़ रहा है तू? ये क्या है? Attachment roaches। पता नहीं भाई, attachment में वीडियो है, खोल तू मोबाइल पे, मैं भी मोबाइल पे देखता हूं, यहां इको होगा। ठीक है। Let's see क्या सीन है। ये क्या है? What the fuck? को दिया जे? What the fuck? अरे भाई ये कहाँ का सीन है तेरा, क्या सीन है ये? मैं नहीं हूँ ये। तुझे और यश को मैंने 36,000 बार चीजों के ऊपर समझाया है कि भाई अपनी चीजें बंद कर दिया करो, पीसी बंद कर दिया। मैं नहीं हूँ ये, मैं बता रहा हूँ मम्मी कसम भैया, मैं नहीं हूँ ये, मैं नहीं हूँ। मुझे फोन मिला दे उसे, रुक जा, मुझे बात कर। नहीं, मैं लाता हूँ, आप रहने दो, मैं मिला रहा हूँ। मिला। यार कैमरा हेलो, आज गजब हो गया, मेरे मेल में एक पॉर्न वीडियो आई है जिसका हीरो मैं हूँ। अच्छा, आप मुझे वीडियो फॉरवर्ड कर दो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कहाँ डालनी है। अपनी गांड में डाल ले, अबे गधे, जिसने ये कांड किया उसे पकड़ जाके। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं करवाता हूँ। करवा मत, खुद जा और पकड़ बैंड। मैं शैतान हूँ और तुम अंडरवर्ल्ड में हो। फक ब्रो, मेरा फोन गए। वेलकम टू द चैनल गाइस, आज हम अंडरवर्ल्ड में #NotClickbait। एक मिनट, हो ही नहीं सकता, मैंने डार्क वेब पे देखा है अंडरवर्ल्ड में हम नंगे जाते हैं। अपने आसपास देखो, ये अंडरवर्ल्ड है, लॉकर रूम नहीं। अच्छा, अगर तू सही में शैतान है तो पबजी अनबैन करा के दिखा। भाई मुंह की बात छील ली। चूतिया गेम है, उससे बढ़िया फौजी है। हंसना बंद कर, असली शैतान में से फ्यूम्स निकलते हैं, तू बस एक फोन अभी है। भाई मुंह की बात छील ली। ओपी भाई ओपी, कैसे किया, एक और बार करना। नहीं, अरे प्लीज शैतान भाई, प्लीज यार एक बार भाई, लव यू भाई, दिल से यार, दिल से। अबे यार हट, मजा नहीं आया, पहली वाली बात ही नहीं है। सबका अपना टाइम होता है, इसका गया। भाई मुंह की बात छील ली। लव यू भाई, लव यू, मजा आ गया भाई, अब एक बार उठते हुए प्लीज। नहीं भाई, 400 लोग देखेंगे, प्लीज भाई, प्लीज। रहने दे टीनू, वैसे भी आग निकालने से कोई शैतान नहीं बन जाता। प्रभजोत, अब प्रभजोत भी शैतान है। हेलो, कहां तक पहुंची कहानी? आप टेंशन मत लो, मैं करवा रहा हूं ना। फट गई है ना तुम्हारी,
एक सिचुएशन हैंडल होती नहीं है बात की एजेंसी हो तुम, और तू क्या करता है पूरा दिन? उस कुर्सी पे बैठ के फोन चाटता रहता है, क्या ही जिंदगी है तेरी? बाप का धंधा करना नहीं सोचा? स्टार्टअप खोलेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे भोसड़ी के। एक काम कर, तू नीचे से चालू कर, पहले कुत्ता संभाल फिर खरगोश चिड़िया, रख सके तो बंदर रख लियो, क्योंकि मैं तो रहने वाला हूँ नहीं। हेलो कैरी। हाँ जी, मेरे टॉयलेट की फ्लश साउंड तेरे वीडियो से ज्यादा फनी है। अब ये चिल्ला के गाली देगा और सारे बच्चे हंस पड़ेंगे। ओ शिट, कैरी तू मुझ पे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं बना देगा? आई एम सॉरी, आई टेक इट बैक, मैं तुझे गाने का एक और चांस नहीं देना चाहता। 2016 में ऐसे ही था, अब तो बस पैसे कमा रहा है। ये थर्ड क्लास से एनिमेशन ही देख लो, 4 महीने लगा दिए। मुझे तो ये बिट समझ में भी नहीं आया भाई। अपनी बेइज्जती आप ही। मुंह की बात छीन ली। धीरज ब्रो, इस व्लॉग में लो-फाई बीट्स डाल दियो और सैम गोल्डन वाली ट्रांजिशंस। वीडियो हाईली एडिटेड लगेगी। तीनू, मैं डीप फेक्स कर सकता है। डू नॉट डिसरेस्पेक्ट माय एडिटिंग। वो बच्चों, तुमने आज वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर सका। सलमान खान दिया ना, सलमान खान। तुमने इतनी चूतिया बात करी कि सामने वाले का मुंह ही बंद हो गया। भाई बीच में बहुत कटा रहे भाई, अभी वो केक नहीं आ रहा भाई। एक बार लाइनें याद करके बोलो ना। अबे लाइनें याद नहीं की जाती, मारी जाती हैं। धरती पुत्र धीरज, धरती पुत्र टीनू और धरती पुत्र प्रज्योत, अगर तुम इस कला को अपना धंधा बनाना चाहते हो तो लो इस कागज पर दस्तखत कर दो। काफी मेहनत की थी यार। तो कैसे हैं आप लोग? शोज ऑन। क्या बेंच? बिग बॉस जाने का क्या फायदा हो रहा है? कभी ये खबर आई है, बिग बॉस से निकले प्रतियोगी शाहरुख खान के साथ मिली पिक्चर, या बिग बॉस से निकले प्रतियोगी बीटीएस में मिला दाखिला? नहीं। हाय गाइस, चेक आउट माय न्यू म्यूजिक वीडियो, 50 सीरीज एंड 25 भांग भोसड़े जो से प्रमोट कर रहे, बस खत्म, दी एंड, बर्फ पड़ गई बहनचोद। फिर अगले साल फिर बिग बॉस, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक बिग बॉस इन्हें नहीं चूस लेता या ये बिग बॉस को नहीं चूस लेते। वरना ऐसे तो मैं भी चले जाता, पर मेरी इंस्पिरेशन टोनी कक्कड़ की वीडियो में आना नहीं है। बहुत ऑप्शन है, पंजाबी लेबल चूस लूंगा। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हमारे पहले सिलेब रेसिपी है एजाज खान। वाला नहीं, ये अलग है सिर्फ दिखने में। वो वाले की तरह इसकी भी फट जाती है आवाज। घर के आसपास की प्रॉपर्टी बहुत सस्ती होगी, साउंड ट्रैफिक इतना है, वहां तुम सोने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ रात के 2 बजे गाने तक का जोर लगा के परफॉर्मेंस चल रही है। एजाज लौंडा है, स्पोर्ट्स प्लेयर, हर टास्क से पहले स्ट्रेटजी बनाता है। अपन एक कॉलर रखते हैं, कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी, सो व्हेन आई स्क्रीम 8 रेड लुक एट मी फॉर मी टू कम आउट ऑफ देयर जोन एंड यू एंटर। 8 रेड, ठीक है ठीक है। अब आओ इसे एक्शन में देख लेते हैं। बना दिया बिग बॉस का अमेरिकन फुटबॉल, ये सही है, कल को मैं चेस खेल रहा हूँ, गीटियों पे हाथ मार दूंगा। क्यों? कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। अच्छा हुआ ये प्रधानमंत्री नहीं है, वरना 8 देशों पे हमला करके बोलता। कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। एक रेड बेंच। छोड़ने को।
एजाज हर हफ्ते पैसन की ड्रिप चढ़वाता है, इसे कोई भी गेम खिला लो ये इतना खुश दोनों टीमों से खेलेगा। एजाज एक ऐसा लौंडा है जो एक अपाहिज औरत से शादी करेगा क्योंकि उसे फिजिकल चैलेंज पसंद है। तो कुल मिला के इसमें और वो वाले में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। हमारे दूसरे सेलेब्रिटी स्किपी है जान, इसके पास पर्सनैलिटी के नाम पे तो नेटफ्लिक्स अकाउंट है जो पापा के कार्ड पे चल रहे हैं। इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है पर उसमें ह्यूमन नहीं आता। इधर आ जा, इसकी और कोरोना दोनों की एक ही दिक्कत है, लेता ही नहीं है कोई सीरियसली। लेकिन जान की जान में जान तब आती है जब जान की जाने मन बनती है, फिर जान कुछ नहीं जानता। मौसम वक्त होना हो चिपकने की कोशिश जरूर करेगा। मैं जानता हूँ, चलो दिल से बुरा लगता है यार, लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट्स कोशिश की होते और कोशिश कहती है मुझे दोबारा करो। रेड पिच रहेगी, रेड पिच रहेगी। आप तो मेरे भाईजान हो, आप तो मेरे भाईजान हो। सारे लोंडो की नेशनल रिप्रेजेंटेशन है ये, इतना अकेलापन अपने दोनों हाथों के नाम रखे हुए हैं। रैम्बो थक जाए तो चार्ली, कभी कभी सिर्फ चार्ली, फिर रैम्बो थर्सडे, संडे चार्ली। मेरा मतलब है ये लोंडाई जज रैम्बो चार्ली से आगे नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि यूट्यूब पे आत्मनिर्भर बनने के ट्यूटोरियल चल रहे हैं। हाउ टू सक योर ओन डिक। शाबाश, मैं एक साधारण जूतिया होता तो पूछता है वीडियो क्यों है, पर मुझे दिक्कत है सालों ने क्लिकबेट किया है, बताया नहीं। साले बताते तो सही। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इनके हिसाब से जीतने वालों की जबान बाहर नहीं होती। हमारे तीसरे सेलिब्रिटी का नाम इस पूरे देश में सबसे अनोखा नाम है राहुल। राहुल, 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 राहुल। ये हमेशा ऐसी थूत बना के रखता है जैसे बाप अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहा हो। अबे इतनी पल के भीचेगा लंड से ज्यादा माथे पे नसें आ जाएंगी। अक्षय कुमारी देख लो, ये बिग बॉस का बैक बेंचर है। गाना वाना आता, पढ़ाई नहीं होती बेंच। किसे नहीं जाता है बंदा। एनीवे कांग्रेचुलेशंस आप तीनों को। राहुल जी सर, राउंड खत्म नहीं हुआ था हमारी तरफ से, सिर्फ आपसे यही कंफर्म करना था कि आप कोशिश भी नहीं करना चाहते थे ना? सर नहीं, कोशिश मैं बिल्कुल कर। बैक बेंचर काम शून्य बहाने 50, बिग बॉस परेशान कर दिया। वो सोच रहा भोसड़ी के मैं अध्यापक थोड़ी ना, कंटेंट भी हम निकल भाना पड़ेगा क्या? अबे यार पहले के दिन सही थे, बर्तन फेंक के मारते थे फिर कट हो जाता था, अब साले टास्क ही नहीं करते, सॉफ्ट हो गए। वहां आलू प्याज ठूसते रहते हैं, टीआरपी गिरती रहती है, और इसकी बैड वेंचरी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या राहुल वैद्य आप इस घर को छोड़ के अपने घर जाना चाहते हो? जी हाँ। सॉरी सॉरी बिग बॉस, सॉरी। खुद ही छोड़ के चला गया। क्या बात है, शायद इस चैनल पे पहली बार किसी की तारीफ होने वाली है। राहुल वैद्य आप कह रहे हो कि आप घर में जाना चाहेंगे? जी सर। I am so happy to see you all. ये क्या था भाई? कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। मुझे समझ में नहीं आती है, जो जा रहा है वो नहीं जा रहा है, जो आ रहा है वो पहले जाएगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा, और जाने वाला जाकर आ जाएगा ताकि आने वाला जाने वाला दोनों साथ जा सके। इससे बढ़िया पोर्ट्स के पेपर दे देता हूँ, मरने की वजह सेंस तो बनाएगी। अबे सोशल मीडिया के जमाने में लोगों में सब्र नहीं है, सबको टाइम पास करना है और साथ में पैसे भी चाहिए। तो विंजो ऐप डाउनलोड करो, टाइम पास भी हो जाएगा, साथ में पैसे जीतने का मौका भी मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कैरम, पूल, फैंटेसी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप से लेके कॉल ऑफ ड्यूटी बताना पड़ता है तुम्हें, फिर तुम स्किप कर देते हो। अब जो बाहर के रियलिटी शो होते हैं वहाँ के प्रतियोगी कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं। इट्स अ वंडरफुल शो, वेल डन, थैंक यू। और यहाँ टीम बी विजेता रहे। इन्हें हर छोटी मोटी चीज पे उछलना है। बिग बॉस ने घर थोड़ा सा सजा दिया, दो बॉलीवुड एक्टर आ गए, वो इम्यूनिटी देने आए, लेकिन सिर्फ लड़कियों को क्योंकि आज विमेंस डे है। हमारी अगली सेलिब्रिटी है जस्मीन। जैस्मीन, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो किसी आदमी से डर के कुछ छोड़ दूँ। जस्मीन छोड़ दे लड़की का बाबा। अरे
जैस्मिन, इसे वही चीजें पसंद है जिससे ये बोर हो जाती है, बस उसमें कुछ अलग कर दो। शोले हिंदी में, चलो जापानीज में देखते हैं। वाताशि नो सेंटो नोरियोकु वा सम्मन देसु। देवा यारासेते इतादाकिमासु। ई देशो। शोले जापानीज। कोनो टोकि गा कुरु नो 50 मत्ते आगेमासु का? आतो 10 मियो गुराई वा। अब देखो, इमोशन की दो स्टेजेस होती हैं, तैरना और बहना। जैस्मिन डूब चुकी है। बच्चे खुलेगी मेरी जान नहीं देगी, खुलेगी खुलेगी सारा खुलेगी, ऐसे नहीं रो। देख अभिनव की गुलिया ना तेरी भी खुल जाएगी। आंखें इसकी नहीं खुल रही, बर्बाद ये हो गई। इन्हीं हरकतों की वजह से लोग कमेंट करते हैं। ज्वेलर की फालतू मेकअप लगाए, वो एक ट्रेटिंग नहीं होती और सिर्फ रोना एक्टिंग नहीं होती। Like if you enjoyed it. हमें बनाती है हमारी संगति। जैस्मिन केला उससे भी ऊपर है। अब क्या कर रहे हो? पारिवारिक शो है, परिवार को सुनने तो दो। माइक की तरह छप्पर कर रखा है। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छी थे। घटिया सोच। थू। पॉज। कंटिन्यू। मुझे सोच आ रहा है इसके। मुझे खुद रोना आ रहा है। प्रीतमपुरा ड्रामा एकेडमी के बच्चे कितना आगे पहुंच गए हैं। साक्षात सेलेमेंडर भाई के सामने ऑडिशन दे रहे हैं। सेलेमेंडर लाइक द रिटर्न में सपोर्टिंग रोल डन। बाकी घर वाले खुंदक में खड़े होकर सोच रहे हैं, साला पूरा वीकेंड चूस गया। अबे यार, फिर गेम चेंज करनी पड़ेगी। अब एक साधारण बिग बॉस प्रतियोगी क्या सोचता है? बिग बॉस चले जाते हैं, सही है, फोन ले जा नहीं सकते, डिटॉक्स हो जाएगा। इससे चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। मतलब कोकेन करनी चालू कर दी ताकि सुट्टे छूट जाए, फिर जेल में जाके छुप गए ताकि पुलिस ना ढूंढ पाए। तभी बिग बॉस जाने के पूरे पूरे हकदार है ये। तुम्हें तुम्हारा बिग बॉस मुबारक बहनचोद। हमारे अगले सेलिब्रिटी ट्रिपी को तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानती। मैं कौन हूँ? 2013 मैं इसकी बायोपिक निकली थी जिसका नाम था एक थी डायन। माना जाता अगर तुम्हें डायन का असली रूप देखना तो तुम उसे बुरे चुटकुले सुनाने चाहिए। नहीं समझे? मैं कल एक बॉय से लड़ पड़ा, उसने मेरे ब्लैडर की जगह फेफड़ा लगा दिया और लिवर की जगह किडनी। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, ये भूत प्रेत डायन चायन कुछ भूते नहीं है, बड़े बूढ़ों की बातें है ये। यही सोच डायन को सबसे ज्यादा पसंद है, वरना मजे कैसे आएंगे? सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। एक डायन का दिन था पसंद है, वरना मजे कैसे आएंगे? सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। एक डायन का दिन इंसान जैसा ही होता है, सबसे पहले उठ के मॉर्निंग वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज, हो गया, नाश्ता, डांस प्रैक्टिस। मेरे सैया जिसे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब चलो काम पे। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। आसमान में देखो, बस आसमान, सिर्फ आसमान। वाओ प्रभु। राखी की पर्सनालिटी ट्रायंगल की तरह है, आओ उसे समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं। आ जाओ बट्टा पार्टी, सब आ जाओ, सबको समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट। RPT राखी पर्सनालिटी ट्रायंगल, इसकी कितनी साइड है? 3 साइड है। बकचोदी बदतमीजी भेड़ापन, क्या है बच्चों? बकचोदी बदतमीजी भेड़ापन, यानी बकचोदी स्क्वायर इज इक्वल टू बदतमीजी स्क्वायर प्लस भेड़ापन स्क्वायर, विच इज आल्सो द फार्मूला ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। इसे अवॉइड करने के लिए बना देते हैं सेंसर की परपेंडिकुलर लाइन, ताकि बकचोदी हमेशा राइट एंगल बनाए। अब राखी या तो बदतमीजी बकचोदी करेगी या भेड़ापन बकचोदी करेगी, तीनों साथ में नहीं करेगी। अब बच्चा पार्टी, में तुम्हारी सोच की तरह इस ट्रायंगल की पोजीशन टेढ़ी कर दूं तो वो तब भी उतनी ही वाई याद रहेगी। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे लंबी लाइन अभी भी बकचोदी की है। थैंक यू राहुल फॉर द 40 rupees सुपर चैट, भगवान आपको खुश रखे। अब जिस जिसको डाउट, चलो यार बस आज के लिए हो गया दिमाग खराब।
अरे बहनचोद, अभी स्पेशल मेंशन रह रहे हैं। हमारी पहली और आखिरी स्पेशल मेंशन है रुबीना। बिग बॉस, वी वांट डॉक्टर एसओएस, प्लीज। आई वांट डॉक्टर। डॉक्टर गया सिलेंडर लेने, इसके लिए पुजारी बुलाना पड़ेगा। मेडिकल विज्ञान पे कल इसका इलाज नहीं है। अनपढ़ है सब, यहाँ के सबके सब अनपढ़ है। ब्लडी दिखता नहीं क्या क्या लिखा है उसमें। फॉर इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इन द नेम ऑफ गेम। इसे कोई राखी के साथ चिल करवाओ। कच्चे खिलाड़ी है यार ये, ऐसे चिल्लाने से कोई रियलिटी शो नहीं जीतता। इतना खोखला नहीं है बिग बॉस। द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14, रुबीना दिलेश। मुबारक, अब इंतजार करो, कक्कड़ परिवार का फोन आएगा। अब बिग बॉस और यूट्यूब में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक बात के लिए लड़ते हैं, जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है। लेकिन जब बात प्रतियोगी पे आती है, भाड़ में गया कंटेंट, फिर प्रतियोगी रोता रहता है कि सालों हमको 70% तो काटना पड़ता है क्योंकि दिखाई नहीं सकते हम। और फिर ये कहते हैं जो आप करोगे, जो आप करते आए हो वो ही दिखा रहे हैं। मेरे से ये सब और झेला नहीं चाहता है, तभी मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब छोड़ दूं, स्टैंड अप ट्राई करते हैं। क्या हाल है? मैं नकल सब्जी मंडी गया ऑटो से। मैंने कहा भैया सब्जी मंडी चलोगे? हाँ भैया बिल्कुल चलेंगे, 2 किलो प्याज मुझे भी लेनी है। ऑटो वाला 2 किलो प्याज ले रहा है, मैं खुद 1 किलो ले रहा हूँ यार। मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने सारी सेविंग्स लगा दी, 4 किलो प्याज ले आया, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई यार। मैं ना कभी नहीं चाहता मैं भाई के नाम से जाना जाऊं। सोचो शो के बाद तुम में से किसी के साथ मेक आउट कर रहा हूं और तुम बोलो यू आर सच अ गुड किसर भाई। जो कि मैं हूं लेकिन सिर्फ अपनी बहनों के लिए। क्या हो गया भाई? वैसे YouTube ही कर लेता हूं, कंटेंट अपनी जगह, जान अपनी जगह। मेरा तो बहुत खाता है यार बंदा। मेरे बाप पे मत जा, तेरी औकात नहीं है। बस यार बस, कितना खाओगे, आंड का आंडल हो गया है। लेकिन यार देखो, जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। अगर तुम सोच रहे हो उनके कमेंट सेक्शन में जाके बकचोदी करते हैं तो कोई इज्जत नहीं मिल रही, कोई खुश नहीं हो रहा। लेकिन तुम मुझे खुश कर सकते हो, विंजो ऐप डाउनलोड करो। उसके 2 कारण है, पहला तुम्हारा भी फायदा है और दूसरी बात मैं चाहता बहुत हूँ पर वीडियो बनाने के पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो डाउनलोड करो यार। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक। इफ यू वांट रियल कंटेंट, असली टैग फनी कंटेंट, देन फॉलो आवर रेडिट पेज अनकैनी रोचेस। कैरी को नहीं, वो तो नॉर्मी है, रूम चेंज करने से वीडियो फनी नहीं हो जाती। कैरी जैसे सारे क्रिएटर्स फेक है, हम असली है। और डिवाइन भी भाई, मुंह की बात छीन ली। कैरी के फैंस कितने अपसेट होंगे, उसने मोहित नहीं बोला। बिग बॉस के घर तुम चले, चामुच के सीधे बने, खुद की ही जेबें भरे, चेहरे के इनके सड़े, इस राखी कभी न फटे, दुश्मन के दोस्तों बने, भूल गए तुम अपनी जड़ें, भूल गए तुम अपनी जड़ें। जब सो देखा तो सोच का ये नकली है, घर में राजन की कड़की है, सबकी आपस में भड़की है, जितने वाली एक लड़की है, सारा तुम्हें लग जाए असली है, स्पॉन्सर ली की तो चलती। यार बहुत सारा, बहुत ज्यादा सारा, बहुत 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 ज्यादा सारा। मतलब सीरियसली ये बंदा इतनी ज्यादा मेहनत करता ना, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं हर वीडियो के ऊपर रिएक्ट करा, छेती तो छेती जो जो ये पाएगा ना दाना पर रिएक्ट करांगे। बहुत कैंट काम करता है, लव्ड हिम, ठीक है। मैं पिछले 2-3 साल तो देखता रहा, बहुत सारा काम करता है बंदा। हाँ अज वाली वीडियो च गाला गुला भी कट कीतिया ने, कढ़िया ने, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। कि हाँ थोड़ी क्लीन कॉमेडी करने की भी आदत होनी चाहिए, बहुत वधिया गल है, पर बहुत सारा काम करता बंदा, ठीक है। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होंदिया ने, बट ये वर्क बहुत मेहनत वाला है। एनीमेशन देख लो, स्टैंड अप कॉमेडी वाली एनीमेशन देख लो, ठीक है, मतलब किन्ना कुछ उन्हें बिच किया है, VFX यूज किए आ, ठीक है। उस तो बाद किन्नी कटिंग पेस्टिंग करता है, किन्ना कुछ करता है, किन्नी मेहनत लाता है, एपीसोड चो एपीसोड कटता है, ठीक है। मैनू राखी साहब याद आ रही है।
बहुत जरा सी भी जाके इंजॉय करो देख सकते हो कैरी में आती चैनल पर भी पई हुई है बाकी अपने रिएक्शन वाले चैनल पर भी देख सकते हो तो मिलते छेती नवे रिएक्शन के साथ। सत श्री अकाल।